भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि और सात महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं वे प्राचीन भारत के प्रख्यात संत विद्वान और वैज्ञानिक थे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारद्वाज ऋषि को उनकी असाधारण ज्ञान और विज्ञान संबंधी दक्षता के लिए जाना जाता है उनके द्वारा रचित ग्रंथ और उनके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन और समाज में गहन प्रभाव छोड़ते हैं प्रारंभिक जीवन और जन्म महारद्वाज ऋषि का जन्म महर्षि अत्रि और देवी अनुसुया के कुल में हुआ था महारद्वाज कश्यप गोत्र के थे और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे उनके पिता महर्षि अत्रि भी एक महान ऋषि थे और मां अनुसुईया भी एक तपस्विनी देवी थीं जिन्हें अपने अद्वितीय साधना के लिए जाना जाता था मारद्वाज का जन्म एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां ऋषियों का आशीर्वाद संस्कार और ज्ञान उन्हें बचपन से ही मिला था उन्होंने अपनी विद्या की प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से प्राप्त की शिक्षा और ज्ञान भारद्वाज ऋषि ने अपने समय के सभी प्रमुख शास्त्रों में प्रवीणता हासिल की थी उन्हें वेद उपनिषद आयुर्वेद और ज्योतिष का गहन ज्ञान था भारद्वाज ने महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों से भी शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने अपने गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को भी माना और ब्रह्मज्ञान का अध्ययन किया वे असीम तक और ध्यान में लीन रहते थे जिसके कारण वे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सक्षम हो गए उनका विशेष योगदान यजुर्वेद और सामवेद के क्षेत्रों में माना जाता है कहा जाता है कि वे यजुर्वेद के कुछ विशेष भागों के रचनाकार थे और अपने गहन अध्ययन के कारण उन्हें वेदों का मर्मज्ञ कहा जाता था ऋषि भारद्वाज का योगदान भारद्वाज ऋषि को उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आविष्कारों के लिए जाना जाता है उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिनमें सबसे प्रमुख भारद्वाज संहिता है इस संहिता में उन्होंने विमानों की तकनीकी विवरण दिए हैं जिससे ये समझ आता है कि उस समय भारत में उन्नत वैज्ञानिक सोच और तकनीक विद्यमान थी उन्होंने मानव जीवन चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में भी गहन शोध किया था उनकी आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा पर भी अद्वितीय दृष्टि थी भारद्वाज ऋषि के शिष्य चरक थे जिन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की चरक संहिता आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका श्रेय भारद्वाज ऋषि को भी दिया जाता है क्योंकि चरक ने अपना ज्ञान उन्हीं से प्राप्त किया था भारद्वाज ऋषि का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान था विमान शास्त्र का ज्ञान इसमें उन्होंने उड़ने वाले यंत्रों विमानों के निर्माण और संचालन के बारे में लिखा इस ग्रंथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के विमानों का उल्लेख किया है जो हवा में उड़ सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे इस प्रकार की जानकारी वैदिक काल की उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रमाण है धार्मिक योगदान भारद्वाज ऋषि ने आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में भी महान योगदान दिया उन्होंने वेदों और उपनिषदों की शिक्षा दी जो आज भी धर्म और दर्शन के प्रमुख स्तंभ हैं वे ध्यान योग और तपस्या के क्षेत्र में भी अग्रणी थे उनके आश्रम में अनेक ऋषियों और विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की कहा जाता है कि उन्होंने भगवान राम के वनवास के दौरान उन्हें अपने आश्रम में स्वागत किया था और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया था भारद्वाज ऋषि ने धार्मिक ग्रंथों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रामायण और महाभारत में उनके संदर्भ मिलते हैं जहां उन्हें एकादश गुरु ऋषि और तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है उनके शिष्य उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान युगों युगों तक प्रसारित होता रहा भारद्वाज का आश्रम भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्राचीन काल में प्रयाग वर्तमान इलाहाबाद में स्थित था ये स्थान ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र था जहाँ देश के कोने कोने से विद्वान और ऋषि शिक्षा प्राप्त करने आते थे आज भी उनके आश्रम का स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है प्रयाग का स्थान भारद्वाज ऋषि के कारण ही विशेष पवित्र माना जाता है भारद्वाज की शिक्षाएं भारद्वाज ऋषि की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण और मानव जीवन को उन्नत बनाना था उन्होंने जीवन के चार पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष की महत्ता को समझाया और कहा कि व्यक्ति को इन चारों के प्राप्ति के लिए संतुलित जीवन जीना चाहिए उनके द्वारा दिया गया योग और ध्यान का ज्ञान आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है भारद्वाज ऋषि के विचार थे कि व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और शरीर की स्वच्छता के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए उन्होंने कर्मयोग और ज्ञान योग की महत्ता को भी प्रतिपादित किया जिससे व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहकर भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है भारद्वाज ऋषि की आध्यात्मिक दृष्टि भारद्वाज ऋषि की आध्यात्मिक दृष्टि अत्यंत गहन और व्यापक थी उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ ब्रह्म का ही अंश है और आत्मा का उद्देश्य उसी ब्रह्म से मिलन करना है वे अद्वैत वेदांत के अनुयायी थे और उन्होंने ये समझाया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है उन्होंने संसार को माया बताया और कहा कि माया के आवरण को हटाकर ही व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता है उनकी दृष्टि में धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांड नहीं था बल्कि यह एक आंतरिक साधना थी वे कहते थे कि धर्म का पालन तभी सार्थक है जब व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धि और सत्यता को पहचानता है उन्होंने समाज में सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया भारद्वाज ऋषि भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक महान स्तंभ थे उनका योगदान न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में था बल्कि विज्ञान चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा उनके द्वारा स्थापित ज्ञान और सिद्धांत आज भी भारतीय समाज के मूल्यों का आधार हैं भारद्वाज ऋषि की शिक्षाएं मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं, जो हमें जीवन को सच्चे अर्थों में जीने और समझने की प्रेरणा देती हैं।